जवाई नदी में 5 साल बाद मानसून की बारिश से पहले आया तेज गति से पानी, किसानों में खुशी की लहर। पोषाणा पुलिये के ऊपर नदी देखने उमड़ी लोगों की भीड़। बिफुर जोया तूफान के बाद जिले में बिगड़े हालात एवं क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि की बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। सायला उपखंड की मुख्य जीवनदायिनी नदी जवाई अर्थात सुकड़ी नदी में 5 साल बाद तेज वेग के साथ पानी बह रहा है, जिससे किसान खुश नजर आए। भुंडवा सरपंच प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 5 साल बाद मानसून से पहले नदी में पानी आने से लोगों में खुशी है, क्योंकि कुओं व ट्यूबवेलों में जलस्तर काफी नीचे चला गया था। अब नदी में पानी आने से कुओं व ट्यूबवेलों का जलस्तर बढ़ने के आसार है। ऐसे में नदी में 5 साल बाद पानी आने से किसान काफी खुश हैं। सोमवार को पोषाणा में नदी देखने के लिए भीनमाल जीवाणा हाईवे पर नदी में बने पुलिये पर लोगों की भीड़ उमड़ी। कई लोग नदी किनारे सेल्फी लेते भी नजर आए। वहीं जवाई नदी से रेवतड़ा व वीराना का सायला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। आपको बता दें कि सायला से रेवतड़ा जाने वाली सड़क पर सायला में नदी में बनी रपट लगभग 2 फीट से ज्यादा पानी उपसलने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है। नदी के तेज बहाव को लेकर प्रशासन द्वारा लोगों को बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र में जाने से मना किया है व लगातार आगाह किया जा रहा है कि डूब क्षेत्र से दूर रहें व नदी के पानी से भी दूर रहें। नदी क्षेत्र से गुजरने वाले मार्गों पर पुलिस के जवान मुस्तैद किए गए हैं। वहीं लोगों को सावधान किया जा रहा है। ये पोषणा पानी चल रहा है नदी में, सुकड़ी नदी है और काफी 5 साल बाद आई है और इस बार मानसून से पहले आई है। किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है और किसान सब खुश है। रौनक है, चेहरे पर रौनक आई है और पानी के सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं और जल स्तर कुओं का भी बढ़ेगा इस नदी से। वैसे जवाई बांध का पानी यहाँ आता है, ओवरफ्लो होता है तब आता है। हम तो परसों से इंतजार करते हैं कि ये नदी आए, यहाँ पानी आए तो हमारे आसपास के गांवों के वेरों का पानी जल स्तर बढ़े और किसान खेती करें, आराम से सुखी से जीवन यापन करें। और 5 साल बाद आई है, लोगों में खूब रौनक है और हिदायत भी देना चाहूँगा लोगों को कि पानी का वेग भी पीछे से ज़्यादा है और किनारे पे ना जाए और देखना है तो दूर से देखें। और कोई अभी तक जन आने की सूचना नहीं मिली है, आपके द्वारा भी लोगों को सूचना दी गई है व्हाट्सएप के और फेसबुक के माध्यम से। और नदी अचानक आई है तो लोगों में जागरूकता का संदेश भी पहले से आ गया था, इसलिए अभी तक कोई जन आनी नहीं हुई। अच्छा।